हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे हैं मेवाड़। मेवाड़ के अंदर आज बारी अपने उदय सिंह की। ठीक है, उदय सिंह उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह। ठीक है, अब उदय सिंह में जैसे अपन लिख रहे हैं उदय, तो ये तीन बन गया, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ से अब इस तीन से अपन बोल देंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इनके समय का, वो है तीसरा शाका अकबर के समय जो आएगा 1568 में। तीसरा वह अंतिम शाका अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 1568। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है, लेकिन यहाँ तक अपन पहुँचे कैसे उसको जानने के लिए क्या है। जैसे अगर इमीडिएट इफेक्ट में देखें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी, है ना, उस लास्ट वीडियो में चार थी और आपको पाँच इमेज इसमें दिखाई दे रही होंगी। तो ये जैसे अपन देख रहे हैं भाई मीरा, तो लेना देना किससे, भोजराज से। ठीक है, भोजराज से पहले अपन जैसे देख रहे हैं तो अपने रतन सिंह द्वितीय बने शासक, ठीक है ना, सांगा सांगा के पुत्र अपन जैसे देख रहे हैं ये। फिर ये जो अपन सारा एपिसोड देख रहे हैं कि भोजराज की विधवा जो अपन देखते हैं कर्णावती, ठीक है, तो ये अपन जैसे देखते हैं कि इन्होंने मदद मांगी हुमायूं, मतलब ये देख रहे हैं पर राखी भेज के मुगल बादशाह हुमायूं से, किसके विरुद्ध में, कि गुजरात के शासक बहादुर शाह से। ठीक है ना, फिर ये अपन जैसे देख रहे हैं कि ये बणवीर मारने आया किसको, ये जो बालक सो रहा है ये कौन, ये अपने उदय सिंह बालक। ठीक है, और ये जो रक्षा करेंगी वो कौन है, ये अपने दाए माँ पन्ना दाय। फिर पन्ना दाय कैसे टोकरी में देखे, किसको सौंपती है, अपने कुंभलगढ़ के दुर्गपाल को, आशा देवपुरा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब अपन जैसे वो पेरेंट ट्री है ना, पहले वीडियो को पॉज करो एक बार, पेरेंट ट्री देखो। अब नेक्स्ट बारी आ रही है अपने उदय सिंह की, ये उदय सिंह की है ना, उदय सिंह। तो उदय सिंह के समय इस तस्वीर में कहीं नहीं है उदय सिंह, ये अपन देख रहे हैं नीचे कल्ला जी हैं, ऊपर अपन देख रहे हैं ये जयमल राठौड़ है। ठीक है, नीचे कल्ला राठौड़ है, ऊपर जयमल राठौड़ है, और कल्ला जी राठौड़ को चार हाथ के लोग देवता बोलते हैं, और इनका संबंध है जो तीसरा व अंतिम शाका हुआ 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उससे, है ना। तीसरे शाके के अंदर चार हाथ के लोग देवता, ऐसे अपने तीन में चार, तीसरे शाके के अंदर चार हाथ के लोग देवताओं का संबंध है, तो ऐसे अपन देख रहे हैं। तो अपन देखा इसमें क्या, इसमें भोजराज देख लिया, इसमें अपन ने विक्रमादित्य देख लिया द्वितीय शाखा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन तृतीय शाखे में आ जाएंगे, इसके अंदर अपन अकबर का देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अपन यहाँ तक उदय सिंह तक इस फ्लो में पहुँचे हैं। तो ये लाइन है ना, ये फोटो आपके जहन में रहनी चाहिए, और इसको आप फोटो फोटो से जो इस फोटो की कहानियाँ चल रही हैं हर फोटो के पीछे, वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी मज़ा है मेवाड़ का। अब मेवाड़ में जैसे क्या, आप जैसे कभी जाओगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने या उदयपुर जाओगे घूमने, तो वहाँ जो लाइट एंड साउंड शो होता है पूरा रात को, तो अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में पूरी ये कहानी समझाई जाती है यहाँ से, ये दूसरे शाखे की और ये तीसरे शाखे की। पद्मिनी वाला थोड़ा कम बताया जाता है, तो दूसरा शाखा नहीं समझ में आएगा अगर आप बणवीर नहीं समझो, है बणवीर का चलो थर्ड से संबंध है, मतलब उदय सिंह से संबंध है, लेकिन विक्रमादित्य नहीं समझो, गुजरात के साथ जो एपिसोड है वो नहीं समझो, हुमायूं कर्णावती नहीं समझोगे तो लाइट एंड साउंड शो का मज़ा नहीं है। फिर बणवीर वाला पूरा एपिसोड बता दें लाइट एंड साउंड शो में, और फिर अपने ये उदय सिंह वाला होता है, जयमल एंड पत्थर वाला सेनापति थे ये, तो अकबर के देख वो अपने उदय सिंह के जयमल फतेह एंड जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया। ठीक है, देखेंगे अब वो तो फतेह कल्ला जी और फतेह जी थे वो, तो अब अपन देखेंगे। तो ये उदय सिंह की तरफ से लड़े थे अकबर के अगेंस्ट में, ऐसे अभी आएगा पूरा अपन देखते हैं अपन। ठीक है, तो उदय सिंह काल है 1537 से 1577, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इनके समय के जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो 1568 में अपने जो तीसरा शाका हुआ अकबर के आक्रमण के कारण, जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया उदय सिंह के सेनापति और अकबर के अगेंस्ट में लड़ेंगे। पिता सांगा राणा सांगा देख ही रहे, राणा सांगा की सात संतान, तो अपन ने देखा रतन सिंह देखा, भोजराज देखा, विक्रमादित्य देखा, और चौथा अपन देख रहे हैं उदय सिंह। फिर पृथ्वी करण और कृष्ण, उनका उनकी डेथ सांगा के जीवन काल में हो जाती है, तो उनका कोई हिस्ट्री नहीं है। दुश्मन कौन इसका, बणवीर, और रक्षक कौन, पन्ना दाय, अपने पुत्र चंदन की बलि देखे, वो आशा देवपुरा कुंभलगढ़ दुर्गपाल के पास कैसे पहुंचा, हीरालाल देवपुरा पिछले वीडियो में देखा ही, तो इस वीडियो को अच्छा समझना है तो पहले पिछला वीडियो देख लो। राज्याभिषेक हुआ 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में 15 वर्ष की आयु में। अब देखो कुंभलगढ़ आ गया ना सीन में, तो जान ही बची थी, जब जब कुंभलगढ़ के अंदर आए थे, नहीं तो जान ही नहीं बचती, ऐसे है। तो कुंभलगढ़ का महत्व देख लो आप, समझ रहे हो। ये रानी, रानी का नाम है जेवताबाई या जयंताबाई, है ना, जेवताबाई जयंताबाई दोनों प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, नाम एक ही है। ठीक है, अखेराज सोनगढ़ जो सिरोही के शासक थे उनकी पुत्री थी, ठीक है ना, और यही माता है, माता जी हैं किसकी, माँ है किनकी, महाराणा प्रताप की। भाई रानी तो थी किनकी, अपने उदय सिंह की, और माँ है देखो नीचे लिखा हुआ पुत्र, पुत्र उदय सिंह का पुत्र है ना, उदय सिंह तो पिताजी और माता जी जेवताबाई, ठीक है ना, इनकी संतान थी महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। महाराणा प्रताप जब हम पढ़ेंगे तो आएगा कुंभलगढ़ कटारगढ़ बादल महल और जूनी कचहरी के अंदर,
है ना 9 मई 1540 को, ठीक है ना। तो उदय सिंह की रानी का नाम जयता बाई है, जयंता बाई, और उनकी संतान महाराणा प्रताप 9 मई 1540। बेचैन मत हो, ये GST मुझे पता है आपको परेशान कर रहा है, थोड़ा सब्र किया करो यार, ऐसे थोड़ी होता है, बिठते आई लव यू बोल दोगे तो क्या मजा आया, थोड़ा माहौल बनना जरूरी है यार। तो ये जीएसटी क्या लिखा हुआ है, ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, ये है ज्येष्ठ शुक्ल, ठीक है, तृतीया, ये हिंदू कैलेंडर की तारीख है। और 1540 में इसको विक्रम संवत में करोगे तो 57 जोड़ देते हैं अपन, किसी भी AD को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना हो तो 57 जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ये जानने के लिए देखो राष्ट्र आर्ट एंड कल्चर का वीडियो नंबर 54 7 9 1597, ये विक्रम संवत हो जाएगा। और दिन था रविवार, जिस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ना 9 मई 1540, रविवार था, संडे, ऐसे, ठीक है ना। तो संडे की छुट्टी इसीलिए रहती है क्योंकि प्रताप का जन्मदिन है, तो देख लिया महीने में 4 से 5 संडे, ठीक है। ये जोड़ा क्यों है विक्रम संवत के लिए, क्योंकि ये पहले चालू हुआ था, 57 साल पहले चालू हुआ हुआ AD से, इसलिए इसको अपन 57 को जोड़ते हैं AD से विक्रम संवत में जाने के लिए। बस फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट चुनौतियां 4 किसकी, उदय सिंह की जो चुनौतियां, तो अपन ने देखो हर शासक को देखा कुंभा के रूप में देखा था चुनौती, फिर अपन ने आगे देखा सांगा देखा तो चुनौती देखी थी, तो यहाँ भी अपन उदय सिंह में देख रहे हैं चुनौतियाँ, टोटल 4। सबसे पहले चुनौती तो घर में ही मिली, मणवीर को हराएंगे मावली के युद्ध में 1540 में, मणवीर पराजित। लेकिन इस मावली के युद्ध में मणवीर को हराने के लिए मारवाड़ के शासक मालदेव का सहयोग लिया जाएगा, बगैर मालदेव के सहयोग के कुछ नहीं कर पाएंगे उदय सिंह, समझ गए। फिर अपन देखते हैं शेर शाह सूरी, अब अपन देख रहे हैं हमसे एक फ्लो देखो हिस्ट्री का। अभी अपन ने जब विक्रमादित्य देखा था, सेकेंड विक्रमादित्य जिसके समय द्वितीय शाखा हुआ, तो कर्णावती ने मतलब उनकी माँ ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो आप फ्लो देख रहे हो, खानवा का युद्ध, सांगा, बाबर, फिर विक्रमादित्य के समय हुमायूं आ गया। अब उदय सिंह के समय अपन देख रहे हैं कि कौन आ गया धीरे धीरे सीन के अंदर, हुमायूं के बाद जो अगला शासक बनता है मुगल काल में अपन देखते हैं शेर शाह सूरी का टेन्योर आप याद रखना बहुत जरूरी है, केवल 5 साल है इसका टेन्योर, 1540 से 1545, केवल 5 ईयर्स, लेकिन 5 साल में इतने काम कर गया था कि आने वाले मुगल शासकों व ब्रिटिशर्स के लिए भी इसका 5 साल का टेन्योर एक माइलस्टोन के रूप में काम करता था। अंग्रेज भी सोचते थे हाँ जिस काम शेर शाह सूरी ने किया वैसे मैं करता हूँ, अकबर भी ये सोचता रहा जैसे काम शेर शाह सूरी ने किया वैसे ही मैं करता हूँ, ऐसे 5 साल में ये कर जाता। सोचो अगर 30-35 साल का टेन्योर मिल जाता शेर शाह सूरी को तो क्या गजब हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका टेन्योर इंपॉर्टेंट है, 1540 से 1545, 5 साल, केवल 5 साल। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे चुनौती, तो हाँ शेर शाह सूरी अफगान शासक, तो ये द्वितीय अफगान एम्पायर है, पहला लोदी था, ये सेकंड है। इसको 1543 में शेर शाह सूरी की रेड हुई अपने मेवाड़ के ऊपर, तो उदय सिंह पराजित हो जाएंगे उसमें, और पराजित होकर क्या हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे। ये उदय सिंह पहला शासक होएगा जो कि अपन देखेंगे कि अफगान मतलब जो समर्पण करने वाला ये, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के सामने समर्पण किया किसने, उदय सिंह ने, और फिर अपन देखेंगे मुगल बादशाहों के सामने भी समर्पण करेंगे ये अकबर, ठीक है ना। अभी देख लो, तो शेर शाह सूरी देख रहे थे अपन, यहाँ शेर शाह सूरी देखा, एक मिनट रोक कर लिया हूँ। तो शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया 1543 में, आप जैसे देख रहे हो, अभी मैंने शेर शाह सूरी का टेन्योर आपको बताया था 1540 से 1545, तो 40 से 45 में आ रहा है ना 43, ये याद ऐसे तभी रहेंगे, जब शेर शाह सूरी का टेन्योर याद होगा ना तो अपने आप आपको ध्यान आएगा हाँ यार 43 उसके बीच में आया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मालदेव राठौड़, अभी मैंने आपको बताया था कि मालदेव राठौड़ ने तो मदद करी थी मावली के युद्ध में, ऐसा क्या है, आप याद करो पाती पर्वन, राणा सांगा, खानवा का युद्ध, तो राणा सांगा की मदद के लिए अल भरतपुर से कौन गया, अपन जैसे देखते हैं अशोक परमार, जयपुर से पृथ्वीराज कसावा, अजमेर से मेड़ता से अपन देखते हैं कौन, रतन सिंह, मारवाड़ से कौन था, तो राव गांगा का पुत्र ये मालदेव, तो मालदेव ने तो सांगा का भी सपोर्ट किया था, मालदेव आप देख लो उदय सिंह का भी सपोर्ट करने आ रहा बनवीर को हराने के लिए, ऐसे, ठीक है ना। फिर ये मालदेव ही धीरे धीरे ये शक्तिशाली हो जाएगा, और एक महल में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो मेवाड़ और मालवा के अंदर ही तकरार चालू हो जाएगी, तो इसलिए फिर मालदेव ने हमला किया मेवाड़ पे, और हरमाड़ा का युद्ध, ये हरमाड़ा अजमेर के पास में है किशनगढ़ के पास, ये युद्ध हुआ 1857 में, नहीं कब 1557 में, लेकिन 1857 से आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पर मारवाड़ के साथ मालदेव के साथ युद्ध हुआ था, ये वही मालदेव है जो आज भूलिया खानवा, हाँ खानवा में यार हम दोनों साथ थे, सांगा और मेवाड़ और मारवाड़, अब भूल गया, तो 1857 नहीं ये 1557, लेकिन 1857 बोलते आपको याद है बदनौर का युद्ध 1457,
तब भी मैंने आपको इसको 1857 से याद कराया था, बदनौर का युद्ध। तो ऐसे 57 कोई डेट आए तो उसको एक बार 1857 से लिंक कर दो, तो वो आपको मदद करेगा याद रखने के अंदर चीज़ों को। ये है इसकी ब्यूटी, ठीक है। तो हरमाड़ा का युद्ध 1557 है, उदय सिंह पराजित हो गए, किसे? मालदेव से। ये मालदेव वही जिसकी मदद से मावली के युद्ध में बणवीर को हराया था। मावली बणवीर कैसे? मावली होता है ना कि जैसे मारने आया, मावली मारेली, मतलब मारेगा ये, मारने वाला बणवीर था जिसने उदय सिंह को मारने की कोशिश करी, तो मारने वाला मारली कौन? बणवीर। ऐसे हरमाड़े का युद्ध क्या है? हरमाड़े का युद्ध मालदेव को, तो माल हरमाल, हरमाल नकली, हरमाल नकली 1857, हरमाल नकली 1857, ऐसे नकली तारीख बता रहे हैं, 1857 नहीं 1557 है। तो मालदेव हरमाल नकली, हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको हरमाड़े का युद्ध, समझ गए? तो हरमाल नकली, हरमाल नकली, हर से हरमाड़ा और माल से मालदेव राठौड़ मारवाड़ का शासक। बहुत इंपॉर्टेंट है मालदेव भी अपन पढ़ेंगे, जब मारवाड़ आएगा तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खोलता है, शेरशाह सूरी को हराएगा ये, ठीक है, मारवाड़ में देखेंगे। फिर अकबर का चौथी चुनौती, अकबर मुगल बादशाह 1567 में अटैक करेंगे और 1568 के अंदर तीसरा साका होएगा, साका तीन लिख रखे हैं, मतलब तीसरा साका हुआ ही चित्तौड़गढ़ के अंदर, तीसरा व अंतिम। और पिंडली के युद्ध में ऐसे मतलब लौटती हुई मुगल आर्मी को हराने का प्रयास का लौटती हुई मुगल आर्मी को हराने का असफल प्रयास करेंगे उदय सिंह पिंडली के युद्ध में। तो जैसे कोई दुश्मन भागता रहता है तो पुलिस को ये होता है कि भैया आप कहाँ गोली मारोगे, पिंडलियों में मारोगे दुश्मन की, पिंडली में चोर की, जिनको अपन काफ्स बोलते हैं ना, उनमें मारोगे गोली। तो अकबर ने किया और अकबर ने समर्पण कर दिया मुगलों के सामने, तो ये पहला शासक था जिसने समर्पण किया। अब आप उदय सिंह के एक बार चुनौतियों का ये एक बार ये देखो, उदय सिंह ने बणवीर को तो पराजित किया लेकिन किसके सहयोग से? मालदेव, खुद का तो कोई रोल ही नहीं था, मालदेव की मदद से कर पाया, खुद नहीं कर सकता था। फिर समर्पण किया उदय सिंह ने, उदय सिंह पराजित हुआ और उदय सिंह समर्पण किया, ऐसे। तो देख लो मतलब किस तरह का, अब आप एक साइकोलॉजी लगा सकते हो कि ब्रेवरी का अपन थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें दोष इनका नहीं है, मेवाड़ की स्थिति देखो, विक्रमादित्य दूसरा शाखा हो चुका, सैनिक बचे ही नहीं है, बणवीर को हराने के लिए सैनिक चाहिए, सैनिक तो मारे जा चुके हैं, केसरिया हो गया द्वितीय शाखा, नहीं पड़ा अपने विक्रमादित्य के समय, ऐसे सैनिक ही नहीं है, ये इनकी हालत थी, ऐसे समझ गए। तो इसलिए मालदेव का सहयोग लिया था मावली के युद्ध में बणवीर को हराने के लिए, शेरशाह सूरी से इसलिए सरेंडर कर दिया इन्होंने 1543 में। और फिर देखते हैं कि मालदेव क्यों हरा के चला गया, क्योंकि मालदेव को पता था खोखला है अंदर से, सेना ही नहीं है, केसरिया हुआ अभी जस्ट, अभी अपने देखा था सेकंड शाखा कब हुआ था 1538, मैंने आपको बताया था ना कि इन 1534 सॉरी मैंने आपको बताया था, ये कैसे याद रहेंगे, 34 का डबल कर देंगे तो 68, ये ऐसे याद रहेंगे। अभी देखो मैंने गलत लिखा, ये 38 तो मुझे फट ध्यान आ गया, ना 38 नहीं हो, 34 का डबल आ रहा है ना, 4 का डबल 8, 6 का डबल 6, 3 का डबल 6, ऐसे ऐसे याद रहेंगे, 448 और 336 ऐसे याद रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप देख रहे हो, तो इसलिए उदय सिंह की ये हालत है परिस्थितियों के कारण, परिस्थिति तो देखो, समझ गए, ऐसे। तो मतलब जैसे अपन देख रहे हैं 30-34 में आप 34 ही जोड़ दोगे तो देखो 34 साल बाद दूसरा शाखा, तो एक पीढ़ी को ही अभी पैदा होने में ही टाइम लग रहा है सैनिक बन रहे के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये चुनौतियां आएंगी अपने किसकी, उदय सिंह की, बणवीर देख लिया आंतरिक, शेरशाह सूरी, मालदेव और अकबर, ठीक है। अभी अपन एक एक को इसको देख लेते हैं वर्क फ्लो में। आओ, जो समझाया चीज वही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप तो एक बार देख लो, सुन लो, फिर एक बार देख लें, सीट मैंने आपको दे रखी है। सबसे पहले अपन देखते हैं बणवीर, बणवीर 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 मालवा मालवी 1540 मालवी का युद्ध हुआ, उदय सिंह प्लस मालदेव राठौड़ नॉट इक्वल टू, हराया किसको, बणवीर को, बणवीर पराजित, ये मैंने समझाया, मालदेव राठौड़ मारवाड़ का शासक। शेरशाह सूरी 1543 में आक्रमण किया, शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण, उदय सिंह द्वारा युद्ध से पूर्व आत्मसमर्पण, पहला शासक था जिसने बिना युद्ध लड़े ही समर्पण किया, इससे पहले अपन देव पाती प्रवण याद करो गौरवशाही इतिहास मेवाड़ का। फिर मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला शासक अपन देखेंगे वो अमर सिंह आएगा, ये महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, सन ऑफ महाराणा प्रताप, एमपी, समझ गए। तो शेरशाह सूरी के सामने घुटने किसने टेके, उदय सिंह ने टेके, और शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया, 1543 में। तो अपन शेरशाह सूरी का तो टेन्योर ही देखते हैं, टेन्योर ही शेरशाह सूरी का क्या है, 1540 से 45 है, जब भी शेरशाह सूरी देखो ना फट से इसका टेन्योर लिखा करो, 1542-45, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होएगा। स्वतंत्र 1545 में कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, मेवाड़ स्वतंत्र हो गया, समझ गए, 1545 शेरशाह सूरी की मृत्यु, कालिंजर ये अपने नॉर्दर्न एमपी के अंदर है जहाँ अपन वो देखते हैं बुंदेलखंड, ऐसे जालौन वगैरह जो,
और मृत्यु कैसे हुई थी कि हुक्का नाम की मिसाइल चला रहे थे, जैसे वो रॉकेट छोड़ते हैं रॉकेट लॉन्चर, तो रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट आगे जाता है, उसमें क्या वो रॉकेट उसके अंदर ही फंस के रह गया था मिसाइल में, और फिर वो पीछे से निकल गया एक तरह से। कुछ कुछ ऐसे ही था, जैसे वो रॉकेट चलाते तो रॉकेट सामने जाता ही हूँ, है ना, आप यूँ छुड़ा रहे हो रॉकेट तो सामने जाएगा, अब सोचो वो रॉकेट सामने जाने की जगह पीछे आके फट जाए, तो वो है ऐसे इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो मृत्यु भी कारण का तरीका, कारण ही पूछते हैं कैसे मृत्यु हुई, दो लोगों की मृत्यु का तरीका बहुत पूछा जाता है, तीन खास तौर पे, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, गैसुद्दीन तुगलक वो स्टेज गिरने से, हनूज दिल्ली दुरुस्त निजामुद्दीन औलिया, और तीसरा है ये अपने कौन से हिस्सा सॉरी मिसाइल फट जाने से, है ना। और इसकी मृत्यु काफ़ी दुखद हुई थी कि काफ़ी अच्छे इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे अपन देखेंगे कि नाप मेजरमेंट जरीब कराई, जो आज भी जरीब खेतों में आपने देखा होगा वो चेन डाल के जो नाप होता है खेत का, वो प्रणाली इसके चलाई हुई जरीब डाल के, सराय ग्रांटन रोड बोलते हैं वो सभी इसी की रोड देन है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट था। फिर अपन अगली चुनौती के ऊपर रूप में देखते हैं, अगली चुनौती के रूप में अपन देखते हैं मालदेव, ठीक है ना। मालदेव राठौर अपने मारवाड़ का शासक, हरमाड़ा का युद्ध 1857-1557, हरमाल नकली 1557, हरमाड़ा अजमेर का युद्ध, अजमेर के पास हरमाड़ा, मालदेव राठौड़ हाकिम का पठान ने हराया उदय सिंह को, नॉट इक्वल टू मतलब उदय सिंह को हराया, उदय सिंह पराजित, मालदेव राठौड़ प्लस हाकिम का पठान नहीं, ठीक है, हाकिम का सूर से भी नहीं जोड़ना महाराणा प्रताप के, ये अलग हाकिम का पठान। और अपन ने हसन खां मेवाती देखा था, राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति खानवा, समझ गए, ये हुआ। फिर अपन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो देखते हैं कि 1559 के अंदर 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना, राजधानी की स्थापना की, और अपन जैसे देखते हैं उदय सागर झील भी उन्होंने स्थापित करी, उदय सागर फतेह सागर नहीं है, उदय सागर है ना, फतेह सागर फतेह सिंह बनाएंगे ऐसे, उदय सिंह के नाम से उदयपुर और उदय सागर लेक, ठीक है। 1559 में धूणी नामक स्थान पर उदयपुर नगर बसाया, धूणी ये याद रखो है ना, धूणी कि कोई हो सकता है साधु महात्मा वो धूणी लगाते हैं तो धूणी नाम पड़ गया ऐसे। अब आप जैसे देख रहे हो पहले मेवाड़ का मतलब चित्तौड़ से अपन निकले कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ से आप फिर नीचे गए हो उदयपुर, नीचे जा रहे हो दक्षिण में, ऊपर मुगल है, ऊपर मारवाड़ है, डर है, नीचे चलो दक्षिण में, तो आप देख रहे हो कि पीछे जाए जा रहे हैं। मैंने बताया था ना साइकोलॉजी काम करती है, दूर किधर बना, आमेर के संदर्भ में बताया था ना, आमेर जयगढ़ नारगढ़ पीछे है, सामने नहीं है क्योंकि सामने मुगल है, गड़बड़ है, पीछे चलो, तो मेवाड़ से नीचे चलो कुंभलगढ़ से नीचे चलो उदयपुर से फिर नीचे अपन चावंड देखेंगे महाराणा प्रताप की राजधानी, फिर नीचे ऐसे, ठीक है। तो धूणी नामक स्थान पर उदयपुर नगर बसाया, राजधानी बनाई उसको, जोधपुर अपन देखते हैं कि 1459 में बसा, 1459 में अपन 6 जोड़ देंगे तो 1559 ये ऐसे आ रहा है, बीच में अपन देखेंगे तो 1504 के अंदर आगरा आ गया ऐसे, तो ऐसे इनको याद रखो शहरों को, क्वेश्चन आते हैं। फिर शाही निवास चंद्रमहल का निर्माण कराया फर्गूसन ने, विंडसर पैलेस से तुलना करी है चंद्रमहल पैलेस की, विंडसर पैलेस का लंदन के महलों का जो लिविंग पैलेस था उसको बोलते थे विंडसर। उदय सागर झील का निर्माण कराया, अब देखो ये क्या है, आयर नदी है ना, जब आयर नदी उदय सागर झील में गिरती है और फिर झील के बाद जब वो निकलती है तो वो नदी बेड़च कहलाती है, और त्रिवेणी अपन देखते हैं कि बनास बेड़च और मेनाल मिलते हैं अपने मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वहाँ त्रिवेणी बनती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, ये जो मैंने बताया ना इसको AU बैंक से याद रखना अपन को, AU बैंक, आपने बैंक का नाम देखा होगा ना AU बैंक, तो AU बैंक का नाम AU बैंक क्यों है पहले तो मेरे को ये बताओ, है ना, आप ढूंढना, कोई फुल फॉर्म नहीं है इसका, जैसे अपन देखते ना PNB है, SBI, ऐसे एक बैंक का नाम है AU बैंक, तो उसका नाम AU क्यों पड़ा, कोई कुछ नहीं है ये अतल, आप यूँ देखो कि अतुल यूनिफॉर्म कुछ ऐसे हो, आप ढूंढना कि क्या सिग्निफिकेंस है AU का। खैर यहाँ अपन ये है कि ए से तो है आयड, ठीक है, यू से है उदय सागर झील, और बी से है बेड़च नदी, समझ गए, तो बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से है, उदय सागर झील से है, उदय सागर झील में कौन सी नदी आके गिरती है, आयड नदी, आयड नदी उदय सागर झील के बाद किस नाम से जानी जाती है, बेड़च से, तो AU बैंक याद रखना आपको, समझ गए, वेरी गुड। क्योंकि बेड़च नदी क्या है, ये मेनाल में इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी में, जैसे भी बारिश ज़्यादा हुई तो आपने न्यूज़ में पर माना था बिसलपुर के 6 गेट खुले, क्यों, क्योंकि अभी भी त्रिवेणी के ऊपर 3 मीटर का गेट चल रहा है, तो त्रिवेणी इसी की बात कर रहे हैं मेनाल वाली की, तो बनास ये ऐसी आती बनास, ऐसे आती बेड़च और यूँ आती मेनाल, ये अपने मेनाल बिगोद में त्रिवेणी, बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी है, समझ गए, यूँ ऐसे बनास है, यूँ तो ऐसे बनास है, यूँ ऐसे बेड़च है और यूँ ऐसे मेनाल है, फिर आगे जाती है अपने, फिर बिसलपुर बांध बना हुआ है इस पर, टोडर आइस इन टॉक में,
समझ गए, ऐसे ये चीज़ है। तो ये आयर नदी मैंने आपको बताया, ये यू बैंक याद रखना। अब अपन देखते हैं कि जो तीसरी चुनौती, तीन चुनौतियाँ देख ही चुके, बणवीर देख लिया, मावली का युद्ध 1540 देन 1543 सेरसा सूरी देख लिया अपन ने, अब नेक्स्ट देख रहे हैं फिर 1559 उदयपुर शहर की स्थापना देखी, उसका सेरसा सूरी से कोई लेना नहीं, सीक्वेंस में आ रहा है इसलिए उदयपुर लिखा हुआ है। फिर अपन अपने नेक्स्ट देख रहे हैं अकबर का जो उदय सिंह के साथ संबंध था वो 1567, वेरी इंपॉर्टेंट, उदय सिंह एंड अकबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उदय सिंह एंड अकबर, ठीक है। अब उदय सिंह और अकबर का